जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम बैक टू अनदर सेशन ऑफ कॉन्सेप्ट्स इजी। और आज हम बात करने जा रहे हैं टेबल ऑफ 11, 21, 31, 41 अप टू 91। इट मींस वो सभी टेबल्स जिनके यूनिट प्लेस में आता है 1, और वो भी बिना किसी कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स के। तो चलिए सीखते हैं इस आसान सी ट्रिक को 21 की टेबल के साथ। इसमें हमें सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि 1 के साथ कौन सा नंबर गिवन है। यहाँ हमें गिवन है 2, तो हम यहाँ पर लिखने वाले हैं 2 की टेबल को। 2 की टेबल मीन्स जो हम सभी को आती है, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18। और ये जो 20 है इसे मैं एक ज़्यादा लिखना चाहता हूँ। चलिए ऐसा क्यों, थोड़ी देर के लिए मैं इसे 20 ही लिख लेता हूँ। अब हमें करना यह है, ये जो 1 है 1 की टेबल को इसके साथ लिख देना है। यानी कि यहाँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। और यहाँ मैं जो 10 लिख रहा हूँ, ये जो 1 है इस 20 के साथ जुड़ के इसे बना रहा है 21। इसलिए मैंने कहा था कि यहाँ मैं 20 की जगह इसे लिखता हूँ 21 और लास्ट में लगा दूँगा 0। और वैसे भी हम जानते हैं 21 10 जा 210। बात करें अगर 71 की टेबल की, तो यहाँ पर भी वही प्रोसीजर हम सेम टू सेम फॉलो करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे 7 की टेबल को, 7, 14, 21, 28, then 35, 42, 49, 56, 63 and 70 की जगह मैंने लिखा है 71। याद है ना, वो 10 में आने वाली एक कैरी को हमने यहाँ अभी जोड़ लिया है। आगे लिखेंगे 1 की टेबल को, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 का आ गया 0। और इस तरह हमने कंप्लीट किया 71 की टेबल को। चलिए यहाँ हम बात करेंगे उसी मेथड को कुछ इस तरह लगाने की कि हमें दो बार अलग अलग तरीके से टेबल ना लिखनी पड़े। यानी कि एक बार हम पहले 4 की टेबल लिखते हैं, फिर हम 1 की टेबल लिखते हैं। ये करने की बजाय अब हम 4 और 1 की टेबल को एक साथ लिखने की कोशिश करेंगे, ताकि हमारे जो राइटिंग एक्सपीरियंस है थोड़ा सा और नेचुरल लगे। तो बात करें 41 के साथ, सबसे पहले 4 1 जा 4, 1 का 1 के साथ मल्टीप्लिकेशन आएगा 1, एंड एज वी नो 41 1 जा 41। यहाँ बात करें 4 का 2 के साथ मल्टीप्लिकेशन होगा तो आएगा 8, और 1 का 2 के साथ यानी कि 2 ही रहने वाला है। ऐसे इसको थोड़ा आगे बढ़ाएं तो ये हो जाएगा 12, उसके बाद में आएगा 3, देन ये आएगा 16, देन 4, 205, 246, 287, 328, 369। यहाँ मैंने कहा था कि एक ज़्यादा में लिखना है, सो 410। और वैसे भी हम जानते हैं 41 10 जा इज़ 410। बात करें 81 की टेबल के लिए, तो यहाँ फिर से हम लिखेंगे 81, अगेन 8 का मल्टीप्लिकेशन 2 के साथ 16, उसके बाद में लिखेंगे 2, देन 24, उसके बाद लिखेंगे 3, देन 32, उसके बाद आएगा 4, देन 40, उसके बाद 5, अगेन 486, देन उसके बाद 567, 648, 729 एंड एट लास्ट 810। और उसी ट्रिक से हमने 81 की टेबल को भी लिखा एक नेचुरल तरीके से। और लास्ट में हम बात करेंगे कि जो हमें रेंडमली निकालना हो, लाइक 31 7 जा क्या होगा, 21 4 जा क्या होगा, यानी कि ऐसे नंबर्स जिनका यूनिट प्लेस है 1, उनकी टेबल में कोई भी रेंडमली हमें अगर पूछ ले जाता तो उसका आंसर हम कैसे दे सकते हैं। वही मेथड वही प्रोसीजर हम यहाँ भी लगाने वाले हैं। यानी कि सबसे पहले 4 का मल्टीप्लिकेशन 4 के साथ, दैट इज 16, एंड देन 1 का होगा तो यहाँ पर आ जाएगा 4 164। यहाँ बात करें तो अगेन 4 का होगा 6 के साथ, देन 24, देन यहाँ आ जाएगा 6 246। यहाँ बात करें 217, और यहाँ करेंगे 9 का 7 के साथ, और उसके बाद में आ जाएगा 7। ठीक उसी तरह अगर यहाँ देखें तो 5 का 8 के साथ करेंगे तो आएगा 40, इसके बाद में आ जाएगा 8। आई होप आप इन दो क्वेश्चंस के आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।